हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आजकल अदानी ग्रुप काफी चर्चा में है। इनके स्टॉक काफी जबरदस्त तरीके से ऊपर चले जा रहे हैं और इस कंपनी में जबरदस्त एक्शन हर तरीके से दिखाई देता है, और जो कि हम अभी भी न्यूज से कंफर्म कर सकते हैं कि अब इन्होंने जो करने का फैसला किया है उसने तो पूरे मार्केट को एक जबरदस्त बूस्ट दे दिया है। अदानी टू एक्वायर होलसिम्स स्टेक इन अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी लिमिटेड। ये दो सीमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं और दो लीडिंग कंपनियां हैं, ये सभी जानते हैं, एसीसी लिमिटेड और अंबुजा सीमेंट्स। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या आई है, आप देखिए। इस प्रेस रिलीज में अदानी ने कहा है कि लार्जेस्ट एवर एक्विजिशन इन इंडियाज इंफ्रा एंड मटेरियल स्पेस वैल्यूड एट $10.5 बिलियन। $10.5 बिलियन में एक्विजिशन जो है वो अदानी करेगी। एक्विजिशन जो ये हेल्प करेगी अदानी को सीमेंट बिजनेस में एक मजबूत पांव जमाने में, जिससे कि उनकी स्थिति मटेरियल में, मेटल में और माइनिंग के वर्टिकल में, तीन वर्टिकल में यह जबरदस्त तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अदानी अब इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर हो जाएगा, कैपेसिटी 70 MTA पर एनम। अब देखिए, इन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें उन्होंने कहा है कि अदानी फैमिली थ्रू एन ऑफशोर स्पेशल पर्पस व्हीकल अनाउंस दैट इट हैड एंटर्ड इनटू डेफिनेटिव एग्रीमेंट। ये एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट में चले गए हैं जिसमें कि ये एक्वायर करेंगे एक्विजिशन ऑफ स्विट्जरलैंड बेस्ड होलसिम लिमिटेड्स एंटायर स्टेक। स्विट्जरलैंड की कंपनी है होलसिम लिमिटेड, जिसमें कि ये पूरा का पूरा स्टेक लेने वाले हैं, जो कहां पर है, इंडिया की लीडिंग सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड का पूरा जो स्टेक है वो होलसिम लिमिटेड के पास कितना स्टेक है ये देखते हैं। थ्रू इट्स सब्सिडियरीज होल्ड 63% इन अंबुजा सीमेंट। 63% अंबुजा सीमेंट की हिस्सेदारी जो है वो होलसिम अपने सब्सिडियरी के थ्रू होल्ड करती है और 54% एसीसी में होल्ड करती है। अब उसमें से भी 50% वो अंबुजा सीमेंट से होल्ड करती है, यानी कि अंबुजा सीमेंट को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो एसीसी डायरेक्टली भी कंट्रोल हो जाएगा। वैल्यू ऑफ होलसिम स्टेक एंड ओपन ऑफर कंसिडरेशन फॉर अंबुजा सीमेंट जो इन्होंने दिया हुआ है वो पूरा का पूरा $10.5 बिलियन हो जाता है। अदानी के लिए एक लार्जेस्ट एक्विजिशन का एक डील हो जाएगा और इंडिया का लार्जेस्ट एवर मर्जर एक्विजिशन ट्रांजेक्शन हो जाएगा, जो कि इंफ्रा और मटेरियल स्पेस में आपको होते हुए दिखाई देगा। अब अदानी के जो चेयरमैन हैं मिस्टर गौतम अदानी, उन्होंने कहा है कि आवर मूव इनटू सीमेंट बिजनेस इज येट अनदर वैलिडेशन ऑफ आवर बिलीफ इन आवर नेशंस ग्रोथ हिस्ट्री। इन्होंने कहा है कि हमारा जो ये मूव है सीमेंट बिजनेस में जाने का, ये हमारा विश्वास है कि हमारा जो हमारे देश का जो ग्रोथ का स्टोरी है वो कंटिन्यू है और वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। नॉट ओनली इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिमांड ड्रिवन इकोनॉमीज। आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में भारत जो है वो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी बना रहेगा और इंडिया ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मार्केट। भारत सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मार्केट भी रहेगा, येट हैज लेस देन हाफ ऑफ द ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन। उसके बावजूद भारत में जो है ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा से आधी कंजम्पशन है। इन स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन चाइना का जो कंजम्पशन है वो 7 गुना है भारत से। व्हेन दीज फैक्टर्स आर कंबाइंड विद द सेवरल एडजेसेंट्स ऑफ आवर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस दैट इंक्लूड द अदानी ग्रुप पोर्ट एंड लॉजिस्टिक बिजनेस, एनर्जी बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस, वी बिलीव दैट वी विल बी एबल टू बिल्ड यूनिकली इंटीग्रेटेड एंड डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल एंड सेट अवर सेल्फ अप फॉर सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन। इन्होंने ये कहा है कि जो इनका बिजनेस है पोर्ट का, लॉजिस्टिक बिजनेस, एनर्जी बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस, और उस आधार पर ये बिलीव करते हैं कि एक इंटीग्रेटेड और डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल ये बनाएंगे जो कि इनके कैपेसिटी को बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा देगा। मिस्टर अदानी ने फिर कहा है कि होलसिम का जो ग्लोबल लीडरशिप है सीमेंट प्रोडक्शन में और सब्सिडियसली बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो ब्रिंग करता है सम ऑफ द कटिंग एज टेक्नोलॉजी दैट वी विल अलाउ अस टू एक्सेलरेट एंड पाथ टू ग्रीनर सीमेंट प्रोडक्शन। ये मतलब कहने का है कि जो प्रोडक्शन ये करेंगे उससे एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है वो प्रोडक्शन करने में आसानी होगी। इन एडिशन इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी आर टू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया। भारत भर में अंबुजा सीमेंट और एसीसी एक जबरदस्त ब्रांड है। व्हेन ऑगमेंटेड विद आवर रिन्यूएबल पावर जनरेशन फुटप्रिंट, जब ये इस चीज को अपने पावर जनरेशन के साथ मिला देंगे तो इनको उम्मीद है कि एक जबरदस्त तरीके से डीकार्बोनाइजेशन जर्नी जो है भारत की, जिसमें कि भारत ने लक्ष्य रखा है वो सीमेंट प्रोडक्शन में
आएगा. द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अवर कैपेबिलिटीज मेक्स मी कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू एस्टेब्लिश द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट सस्टेनेबल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस दैट विल मीट एक्सीड ग्लोबल बेंचमार्क. ये सस्टेनेबल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनाना चाहते हैं जो कि ग्लोबल बेंचमार्क को देखते हुए उचित होगी, इन्होंने कहा है. इसके अलावा जेंसिच सीईओ ऑफ होलसिम ने कहा है कि आई एम डिलाइटेड दैट अदानी ग्रुप इज एक्वायरिंग अवर बिजनेस इन इंडिया टू लीड इट नेक्स्ट एरा ऑफ ग्रोथ, कि आगे वाले समय में ये इसको लेकर के ऊपर और जाएंगे. मिस्टर अदानी इज हाईली रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस लीडर इन इंडिया हु शेयर्स अवर डीप कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी पीपल एंड कम्युनिटीज. आई वुड लाइक टू थैंक अवर 10,000 इंडियन कलीग्स हु हैव प्लेड एन एसेंशियल रोल इन डेवलपमेंट अवर बिजनेस. ये अब यहां से एग्जिट कर रहे हैं, वेल विश कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये बिजनेस और अच्छा जाएगा. अगर बात की जाए अंबुजा सीमेंट और एसीसी की, तो इनके पास 70 एमटीपीए का जो ये वो कैपेसिटी है, पूरा प्रोडक्शन कैपेसिटी है. अब ये पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो अदानी की हो जाएगी. टू कंपनीज आर अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड नो डाउट. ये दोनों ही सबसे जबरदस्त ब्रांड है भारत में. 23 सीमेंट प्लांट है इनके, 14 ग्राइंडिंग स्टेशन है, 80 रेडी मिक्सिंग मिक्स कॉन्क्रीट प्लांट है और 50,000 चैनल पार्टनर इनके ऑलरेडी है. जो ये सब कुछ अब जो है अदानी का हो जाएगा. बोथ अंबुजा एंड एसीसी विल बेनिफिट फ्रॉम सिनर्जीज विद द इंटीग्रेटेड अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म. ये सारा कुछ जो है वो अदानी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म से इनको बेनिफिट करेगा. पोर्ट है और रिन्यूएबल पावर है, लॉजिस्टिक है जो कि ऑलरेडी इनका है, तो ये एक वर्टिकल और जुड़ जाएगा और एक जबरदस्त तरीके से कंपनी एक कॉन्ग्लोमरेट बनती हुई दिखाई दे रही है. कंपनी विल ऑल्सो बेनिफिट अदानी फोकस ऑन, अदानी का फोकस जो है वो एनवायरमेंट पे है और सर्कुलर इकोनॉमी कैपिटल मैनेजमेंट फिलोसफी है, तो उसमें भी ये ऐड करेगा. यूएन के सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल के हिसाब से ये और काम करेगा. तो ओवरऑल बेनिफिट जो है इनका कहने का मतलब एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के आधार पे ये काम कर रहे हैं. और लास्ट में ये कहते हैं अपने प्रेस रिलीज में कि एक्विजिशन इज सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल एंड कंडीशंस. ये एक फॉर्मेलिटी की बात है, ये फॉर्मेलिटी हो जाएगी और अंबुजा और एसीसी अब अदानी की हो जाएगी. फ्रेंड्स अब देखिए कि एसीसी लिमिटेड ने यहां पर क्या इन्फॉर्मेशन दी है. एसीसी लिमिटेड ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी को दोनों को इन्फॉर्मेशन किया है इस डील के बारे में. डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी पूरा डिस्क्लोजर दिया हुआ है. दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय द प्रमोटर होलसिम लिमिटेड, जो इनके प्रमोटर है एसीसी के एंड इट्स रिलेवेंट सब्सिडियरी, दैट दे हैव एग्जीक्यूटेड अ शेयर परचेज एग्रीमेंट विद एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ऑन May 15, 2022 फॉर डाइवेस्टिंग देयर शेयर holding in Ambuja Cement Limited and ACC Limited. The company will be providing requisite assistance to complete the proposed transaction including pursuant to its obligation under applicable law. ये यहाँ पर जो deal है Holcim Limited ने ये एक अपनी subsidiary के माध्यम से की है, इसी को यहाँ पे confirm किया जा रहा है ACC Limited के press release में, जो इन्होंने information दी है NSE और BSE Limited को कि ये होने वाला है. We are also attaching a press release on this behalf made by Holcim Limited. Holcim Limited ने जो press release जारी की है उसको भी इन्होंने attach किया हुआ है. आइए देखते हैं वो क्या है. मीडिया रिलीज होलसिम लिमिटेड की है. अदानी ग्रुप टू एक्वायर होलसिम इंडियाज बिजनेस. अदानी ग्रुप टू एक्वायर होलसिम्स फुल स्टेक इन अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी फॉर 6.4 CHF, जो स्विट्जरलैंड का ये करेंसी है. होलसिम टू फोकस ऑन एक्सपेंडिंग सॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट बिल्डिंग ऑन रिसेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्रैंक 5 billion. तो होलसिम जो है उन्होंने साइन किया है अदानी ग्रुप के साथ. इन्होंने यहाँ पे भी फोकस किया हुआ है अदानी ग्रुप टू एक्वायर इट्स बिजनेस इन इंडिया कंप्राइजिंग 63% स्टेक इन अंबुजा सीमेंट विच ओन्स 50.05 इंटरेस्ट इन एसीसी, 3% अंबुजा का है और जिसका अंबुजा जो है वो 50% एसीसी में लेता है. तो इंडायरेक्टली यहाँ पे एक कंपनी अगर आप लेते हैं तो फिर आपका एसीसी भी आप ही की हो जाती है. एज वेल एट इस 4.48% डायरेक्ट स्टेक इन एसीसी, डायरेक्ट स्टेक भी वो ले रहे हैं. करस्पॉन्डिंग ऑफर शेयर प्राइस 385 अंबुजा सीमेंट के लिए है और 2300 एसीसी के लिए दी जा रही है, जो कि ये पूरा फ्रैंक जो है उसमें 6.4 billion dollar, 10.5 billion, 6.4 billion फ्रैंक या फिर 10.5 billion dollar US होता है. अदानी ग्रुप के बारे में फिर इन्होंने बताया कि अदानी ग्रुप जो है लीडिंग हाईली रिकॉग्नाइज कंपनी भारत में है, उसको इन्होंने ये डील की है. जेनिस सीईओ ने फिर यहाँ पे अपने बारे में रिलीज की है कि विद द अदानी ग्रुप वी हैव फाउंड परफेक्ट ओनर टू अनलीज अवर इंडियाज बिजनेस नेक्स्ट एरा ग्रोथ, जो कि अभी अदानी ग्रुप ने भी वहां पर अपने प्रेस रिलीज में इस बात को कही थी. ओवरऑल कहने का मतलब है कि इस डील के बारे में ये बता रहे हैं. गौतम अदानी के स्टेटमेंट को भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद होलसिम ग्लोबलाइजेशन लीडरशिप इन सस्टेनेबिलिटी वी आर एक्वायरिंग सम ऑफ इट्स मोस्ट एफिशिएंट बिल्डिंग मटेरियल ऑपरेशन इन इंडिया. ये अपनी बात कह रहे हैं गौतम अदानी. अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी आर अमंग द मोस्ट
आइकॉनिक बिल्डिंग मटेरियल ब्रांड इन इंडिया, इस बारे में डिटेल पूरा किया जा रहा है। इसी तरह का कंफर्मेशन अंबुजा सीमेंट की तरफ से आया हुआ है 15 मई का, ये भी है, जो कि बीएससी और एनएससी को इन्होंने भी इन्फॉर्म किया है। इन्होंने भी बिल्कुल यही बात कही है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव इन्फॉर्म बाय अवर प्रमोटर होलसिम लिमिटेड एंड इट्स रिलेवेंट सब्सिडियरी दैट दे हैव एग्जीक्यूटेड अ शेयर परचेज एग्रीमेंट विद एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ऑन 15th मई 2022 फॉर सेल ऑफ शेयर होल्डिंग इन होल्डन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड विच इन टर्न होल्ड शेयर इन द कंपनी। अब ये पूरा का पूरा होलसिम के बिहाफ पे जो सब्सिडरी है उसके माध्यम से ये एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और कंपनी विल प्रोवाइड रिक्विजिट असिस्टेंस टू कंप्लीट द प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन। कंपनी इस संबंध में सभी सहयोग करेगी और ताकि ये कन्फर्म हो जाए। फिर से यहाँ पर अंबुजा सीमेंट ने भी, होलसिम जो कि इसके प्रमोटर है, अंबुजा सीमेंट ने भी यहाँ पर ये मीडिया रिलीज होलसिम का यहाँ पे जारी किया है। तो ओवरऑल ये पूरा ट्रांजेक्शन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक बड़ा डेवलपमेंट है पूरे के पूरे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें एक बड़ा डेवलपमेंट है। अब अदानी ग्रुप जो कि एक जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ती हुई ग्रुप भारत में दिखाई दे रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद भारत की एक ऐसी एक ग्रुप कंग्लोमरेट ग्रुप बनने जा रही है जो कि अब ज्यादातर सेक्टर में काम करने के लिए रेडी है। इस डील के साथ अब अदानी ग्रुप को एक सीरियस कंपनी के तरह देखना शुरू कर दिया जाएगा। आई होप फ्रेंड्स इसके बारे में, इस डील के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।